दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना मोबाइल डाटा कैसे किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस एप्लीकेशन के लिए अपना मोबाइल डाटा यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आप उसके लिए यूज़ कर पाएंगे, चाहे वो गेम है चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन है। आपको दूसरी तमाम एप्लीकेशन आपके मोबाइल रिस्ट्रिक्ट मोड पर लग जाएंगी, मतलब आपको उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन यानी आपके इंटरनेट एक्सेस उन एप्लीकेशन तक नहीं पहुँच पाएगी। तो ये तमाम काम आपने कैसे करना है, फ्लाइट मोड की तरह का अपने मोबाइल डाटा कैसे यूज करना है, आज की इस वीडियो में डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आपने इस प्रोसेस के लिए जो एप्लीकेशन यूज़ करनी है, एप्लीकेशन का नाम है नेट गार्ड एप्लीकेशन, जो आपको गूगल प्ले स्टोर के अंदर इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने नेट गार्ड लिख के सिंपल जो है सर्च करना है और आगे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको आपने अपने मोबाइल यानी डिवाइस के अंदर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने यूज़ कैसे करना है, तो चलिए हम सीख लेते हैं कि कैसे हमने इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। दोस्तों ये वाली एप्लीकेशन जो है स्पेशली पबजी लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इस एप्लीकेशन के जरिए से तमाम का तमाम फोकस जो है वो सिर्फ अपनी गेम पर दे सकते हैं, क्योंकि तमाम एप्लीकेशन तक इंटरनेट एक्सेस जो है वो खत्म हो जाएगी। उनको कोई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी जगह पे कोई नोटिफिकेशन या मैसेज नहीं आ पाएगा और उनको कोई कॉल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इस तरीके कार से आप पबजी के ऊपर या किसी भी गेम के ऊपर या फिर आप कोई काम करते हैं मोबाइल के ऊपर तो आप फोकस कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे ये जो ऑप्शन मिल रहा है इसको आप लोगों ने सिंपल जो है वो ऑन कर देना है। जैसे ही इसको ऑन करेंगे आगे वो आपको बताएगा कि ओके करें, आपने सिंपल ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आपने यहाँ पे बैक आ जाना है और इस तरह से इस पेज पे जब आप लोगों ने आना है तो इसके बाद दोस्तों ऊपर यहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिलेंगे। 3 डॉट्स पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा लॉकडाउन ट्रैफिक का, इस पे आप लोगों ने मार्कअप कर देना है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपकी तमाम एप्लीकेशन जो कि मोबाइल के अंदर होगी उनके अंदर इंटरनेट एक्सेस जो है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं बैक जाने के बाद यहाँ पे कोई एप्लीकेशन प्ले करके चेक करवाता हूँ। ये देखिए यूट्यूब को मैं ओपन कर लेता हूँ, यूट्यूब को मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो ये एप्लीकेशन जो है वो ओपन नहीं होगी, यूट्यूब वर्क नहीं करेगी। ये देखिए यहाँ पे लोड होती रहेगी। तो इसके बाद अब हमने ये देखना है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को प्ले करना चाहते हैं, यूट्यूब के अंदर इंटरनेट की एक्सेस देना चाहते हैं, तो ये कैसे हमने करना है। हमने बैक आ जाना है और यहाँ पे हमें दूसरी एप्लीकेशन जो जहाँ से हमने इंटरनेट जो बंद किया था नेट गार्ड के अंदर आ जाता हूँ। नेट गार्ड के अंदर आने के बाद यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अगेन बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है यहाँ पे जिस एप्लीकेशन को आप इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है। यहाँ पे मैं यूट्यूब लिख के सर्च करूंगा और आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को ही इंटरनेट एक्सेस मिले, तो ये कैसे होगा। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने सर्च किया यूट्यूब को, आगे यूट्यूब आ चुकी है। यूट्यूब बता रहा है कि कौन सी आप यूट्यूब को इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्क्रोल अप कर लेते हैं। स्क्रोल अप करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा अलाउ इन लॉकडाउन मोड, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको आपने यहाँ पे ब्लॉक व्हेन रोमिंग इस ऑप्शन को आप लोगों ने अनमार्क कर देना है और अनमार्क करके मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। और बैक जाने के बाद यहाँ पे मैं यूट्यूब को अगेन ओपन करता हूँ। यूट्यूब को जैसे ही मैं ओपन करूंगा यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि यूट्यूब जो है वो वर्क करने लग गई है। तो इस तरीके कार से आप पबजी भी खेल सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन कोई भी काम कर सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को 1, 2, 3, 4 जितनी भी एप्लीकेशन को आप देना चाहते हैं इंटरनेट एक्सेस, तो यहाँ पे आप उनको एक्सेस दे सकते हैं। ये बहुत मजे की एप्लीकेशन है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा अगर इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है आप मुझे कमेंट करके और डायरेक्टली मैसेज करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल स्मार्टनेस टिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।